हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे लॉक शिपिंग के बारे में और लॉक शिपिंग का इम्प्लीमेंटेशन एंड उस पे रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उसकी बातें करेंगे। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा। ये चैनल का नाम है, ठीक है, MCC 2002। ओके, और इससे भी आप सर्च कर सकते हैं, एमसीसी शेयरिंग सेंटर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। ओके, हिंदी लैंग्वेज के लिए। सो इसमें हम देखेंगे कि भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे और इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। सो लॉक शिपिंग क्या है, व्हाट इज़ लॉक शिपिंग, तो थोड़ा ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि लॉक शिपिंग एक्चुअल में होता है क्या है। सो लॉक शिपिंग है, इट इज़ अ प्रोसेस टू ऑटोमेट अ बैकअप of transactional log file from primary to secondary server and restore on a standby server, or we can say that in recovery, we can say, okay, standby or in recovery. So दोनों का अलग अलग benefit है, हम उसके बारे में discuss करेंगे, standby कब ज़रूरत है और in recovery का कब ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए भी pros and cons किया है, depend क्यों हम standby में नहीं रखेंगे, क्यों in recovery में रखेंगे, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें हैं जो लॉक शिपिंग में मेन होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, आप बोल सकते हो कि उनके कुछ ऑपरेटर्स और ऑपरेशंस होते हैं, उसके हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या होता है, लॉक शिपिंग कंसिस्ट ऑफ थ्री ऑपरेशंस लाइक बैकअप, कॉपी एंड रिस्टोर। मीन्स बैकअप मीन्स टेकिंग अ लॉक बैकअप फ्रॉम प्राइमरी, ओके, ऑन द शेयर ड्राइव। कॉपी ऑफ बैकअप फ्रॉम द प्राइमरी शेयर ड्राइव टू सेकेंडरी शेयर ड्राइव। एंड थर्ड वन इज़ रिस्टोर। सो रिस्टोर कब होता है, जब आपका बैकअप कॉपी हो जाता है सेकेंडरी पे। तो ये तीनों जॉब जो होते हैं ऑटोमेट होते हैं, इसमें एजेंट होना बहुत ज़रूरी है, एजेंट लेस सर्वर इसमें यूज़ नहीं होती है। सो हम आते हैं कि भाई ये आपका ऑपरेशन है, इसमें जो भी आपने देखा कि भाई एक प्राइमरी सर्वर होता है, एक सेकेंडरी सर्वर होता है, फिर उसमें बैकअप होती है, फिर कॉपी होता है, कॉपी के बाद रिस्टोर होता है, एंड देन इन सबको मॉनिटर करने के लिए एक मॉनिटर सर्वर होता है जो आप कोई भी वर्जन और एडिशन ले सकते हैं मॉनिटर करने के लिए, इसमें कुछ रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। सो हम आते हैं प्री रिक्विजिट पे। प्री रिक्विजिट क्या है, एक्सप्रेस एडिशन डज नॉट सपोर्ट एक्सप्रेस और लॉक शिपिंग। यस, बिकॉज कि भाई SQL एक्सप्रेस में क्या होता है कि आपको एजेंट लेस है, एजेंट है ही नहीं। तो एजेंट क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमें बैकअप और कॉपी जॉब चलानी है और रिस्टोर जॉब चलानी है। तो एजेंट नहीं है तो कैसे चलेगा, चल ही नहीं सकता है, इसलिए एक्सप्रेस एडिशन सपोर्ट नहीं करता है। ये आप यूज़ कर सकते हैं एज ए मॉनिटर सर्वर। ओके, बोथ सर्वर शुड हैव अ सेम कोलेशन या डेटाबेस लेवल कोलेशन, सर्वर लेवल कोलेशन सेम होनी चाहिए। बोथ सर्वर एजेंट सर्विस मस्ट रनिंग, क्योंकि भाई कॉपी एंड बैकअप जॉब चलनी है उसके ऊपर, तो रनिंग होनी चाहिए एजेंट, SQL सर्वर एजेंट। SQL सर्वर एंड सर्वर एजेंट सर्विस मस्ट बी रनिंग इन अ डोमेन अकाउंट। डोमेन अकाउंट इन द सेंस कि जो सर्विस अकाउंट आपकी होती है, जिसको रीड राइट की परमिशन होती है इंटायर द डोमेन, इंटायर द नेटवर्क। द लॉक शिपिंग सॉरी द लॉग ऑन अकाउंट मस्ट हैव लोकल एडमिन प्रिविलेज कैरिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, क्योंकि उसको परमिशन होना चाहिए, क्योंकि उसको कॉपी एंड रिस्टोर करनी है तो उसको परमिशन होनी चाहिए कॉपी करने के लिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के परफॉर्म करने के लिए उसको परमिशंस होनी चाहिए। यूज़र द यूज़र हु कॉन्फ़िगर द लॉक शिपिंग मस्ट अ मेंबर ऑफ सिस एडमिन रोल ऑफ द SQL सर्वर। येस, विदाउट सिस एडमिन यू कैन नॉट परफॉर्म लॉक शिपिंग एंड ऑल, सो DBA कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी मेनली। एंड नेक्स्ट इज SQL सर्वर डिफॉल्ट पोर्ट 1433 मस्ट बी ओपन इन द नेटवर्क लेवल नेटवर्क लिव फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ द सर्वर्स। ओके, सो आपको मैं ये कह दूं कि 1433 ऐसा कुछ डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, लेकिन बीइंग अ DBA SQL सर्वर को डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे मत चलाइए, आप अपना पोर्ट डिफाइन कीजिए। ओके, UDP पे चलाइए ज़्यादा बेटर है, या फिर डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो है इसको कस्टमाइज आप कराइए, एंड बाहर के नेटवर्क से इसको एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। कुछ शेयर पोर्ट चाहिए आपको जो डेटा कॉपी करने के लिए अपलोड विंडोज़ पे होनी चाहिए, जो है 135 137 138 और 445 और 139 मस्ट बी ओपन ऑन प्रोडक्शन एंड DR सर्वर्स के बीच में। ओके, ये पोर्ट ओपन होने चाहिए। शुड नॉट रन एनी मेंटेनेंस टास्क प्लान अगेंस्ट द जॉब लॉक शिपिंग सिंस दैट वुड बी ब्रोकन द लॉक शिपिंग चैन। मीन्स ये इसलिए कह रहा है क्योंकि आप
जो भी बैकअप होगा वो चैन ब्रेक कर देगा। तो लॉक सीक्वेंस नंबर, जो लॉक सीक्वेंस नंबर होता है वो ब्रेक नहीं होने चाहिए, मतलब सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसा आपको कॉपी ओनली बैकअप अलाउ किया जाता है कि आप कॉपी ओनली बैकअप ले सकते हैं। रिकमेंड टू मेंटेन सेम ड्राइव कैपेसिटी ऑन द बोथ सर्वर, येस, बिकॉज डेटा जो राइट होगी सेम सेम साइज ड्राइव की होनी चाहिए, क्योंकि कम ज़्यादा हुआ तो आपको फिर अलग से मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। मीन्स जो आप कॉन्फिगर करके रखे हो, स्टैंडर्डाइज जो आप कर सकते हो, जैसे आप कह सकते हैं कि आपके पास लेट्स एन एग्जाम्पल, ठीक है, सो मान लीजिए कि आपके पास एक डेटा वैसा ही है ए, और ये है आपका डेटाबेस ये है बी। सो यहाँ पे जो आपकी ड्राइव होगी, मान लो कि डी ड्राइव और यहाँ पे एल ड्राइव, सो सेम यहाँ पे भी डी ड्राइव और एल ड्राइव, जिसकी साइज़ मान लो कि आप छोटा डेटा वैसे तो 100 MB रख, सॉरी GB रख लो, ठीक है, और ये रख लो आप 10 GB फिलहाल छोटा। तो हमारा कहने का मतलब कि सेम यहाँ पे भी इसकी साइज होगी 100 GB होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आपका एल ड्राइव का जो रहेगा 10 GB रहेगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जैसे जैसे डेटा राइट होगी आपकी प्राइमरी सर्वर पे, वैसे ही आपको सेकेंडरी सर्वर पे भी डेटा राइट होगी, जो लॉग रेप्लिकेट होगा, लॉग जो होगी आपकी यहाँ से यहाँ जाके राइट होती है, ओके। सो जब भी मेंटेन्स करोगे, डेटा डिस्क मेंटेनेंस जब करोगे तो दोनों साइड पे आपको सेम करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि एक जगह कर दूसरे दो दिन बाद करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि डेटा यहाँ भी है यहाँ भी है, सेम डेटा है जो एवरी 15 मिनट एक सम इंटरवल पर रेप्लिकेट हो रही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए जो ये रिकमेंडेशन था यहाँ पे कि ये डिस्क कैपेसिटी बोथ साइड सेम होना चाहिए, क्रिएट नेटवर्क ड्राइव एंड फोल्डर ऑन बोथ सर्वर्स, क्यों, क्योंकि आपको क्या है एक शेयर्ड फोल्डर रहेगी यहाँ पे, एक शेयर्ड फोल्डर इस ड्राइव में जहाँ पे लॉग आप टी लॉग के लिए रखोगे, ठीक है ना, न्यू लॉग और टी लॉग फोल्डर TRN फाइल्स के लिए, ठीक है। सो दोनों सर्वर पे रहेगी टी लॉग फोल्डर, ओके, जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन लॉग मूव होती रहेगी। एंड नेक्स्ट क्या है, नीड टू चेक कंप्यूटर नेम ऑन बोथ द मस्ट बी सेम, ठीक है। तो मस्ट बी सेम इन द सेंस क्या होता है कि जो कंप्यूटर नेम कभी भी क्या हुआ सेम नहीं होने हो सकते, एक नेटवर्क में दोनों सेम नेम नहीं हो सकते, ठीक है, आपको क्या होगा कि डिफरेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि सेम नेटवर्क में सेम नेम और सेम आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट करती है, तो ये सेम नहीं होना चाहिए बस। लेकिन हाँ, आपको एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से सही होना चाहिए। मीन्स ये जो नेम चेक करना है, इसका तरीका ये है कि आपको यहाँ पे आप जो ये लिख रहे हो, लेट्स सी हियर, जो लास्ट टाइम मैंने ट्रबल शूटिंग में लिखा था, एट द रेट सर्वर नेम, इसकी बात हम कह रहे हैं सेम इसलिए होना चाहिए कि जो यहाँ पे है ना वो यहाँ पे है, वैसे ही वो क्या होना चाहिए, माई कंप्यूटर होती है ना, आपको वहाँ की प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हो, हम कहाँ से देखें, लेट्स एक्सप्लोर दिस वन, यहाँ से दिखा देते हैं प्रॉपर्टीज़, ये दिख रहा है आपका कंप्यूटर नेम, यहाँ भी ये भी आपका, तो ये सब सेम होनी चाहिए, ठीक है। अलग होगी तो क्या होगा, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है, हमने लास्ट एरर में दिखाया था क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर कुछ चाहिए तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि भाई कंप्यूटर नेम सेम क्यों होने चाहिए, तो वेट, जस्ट वेट, ठीक है। तो मेरे चैनल पे आपको आना है यहाँ पे, और आप ये देखिए जो मैंने यही दिखाया था यहाँ पे एरर वाले में कि ऐड रिमूव सर्वर नेम, तो सर्वर नेम सेम की बात इसलिए कही गई थी क्योंकि आपको एरर आती है एक, लेट्स सी हियर, ओके, कनेक्टेड
ये जो एरर आ रही है आपको, ये नहीं हो पाती है, इसलिए सेम रखोगे आप तब भी आपका ये हो पाएगा, ठीक है। दिख रहा है डीबी नेम, और यहाँ नहीं मिल रहा था उस चीज़ को, ठीक है। सो डॉट से कनेक्ट किया, लोकली कनेक्ट कर लिया यहाँ पे, सो इसलिए वो कंप्यूटर नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। सो जो मैंने बताया उसलिए आप वो देख सकते हैं, या फिर एक और भी होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस डॉट सिस सर्वर्स, ओके। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, तो दोनों जगह ये सेम होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी जो होती है डेटा सोर्स पे ही होती है, आपका सर्वर नेम पे ही होती है, तो ये चीज़ आपका सेम होना चाहिए। दोनों अलग अलग है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। कनेक्टिविटी आप लॉक स्विपिंग में नहीं कर पाएंगे, वो फेल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जब भी लॉक कॉपी करने जाएगा वो तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आते हैं पीपीटी पे, ठीक है। सो हम पहले क्या करेंगे अभी, कि हमें लॉक स्विपिंग इंप्लीमेंट करना है, तो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर रेडी है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। लेकिन पहले हमें क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ फोल्डर क्रिएट करेंगे सी ड्राइव में कहीं पे भी, ठीक है। और उसको क्या करना है, आपको परमिशन होने चाहिए, ठीक है, एडमिन प्रिविलेजेस। सो कम हियर एंड राइट क्लिक न्यू फोल्डर, दिस इज फॉर लॉग सीपिंग, ओके। इसको आप ऐसे कर लो एंड शेयर कर दो। प्रॉपर्टीज सेविंग, ओके, एंड ओनर है तो यहाँ पे नहीं होते, एवरीवन कर दो आप, ठीक है। ऐड सॉरी एंड रीड नहीं, रीड राइट परमिशन दे दो, ठीक है। शेयर कर दिया, शेयरिंग हो रहा है, ये नाम आपको आ गया, ठीक है, डन। और इसका सिक्योरिटी में जाओ, यहाँ आप देख लो एवरीवन को फुल कंट्रोल है, कोई नहीं, ठीक है। वैसे ही मैं सेम सर्वर पे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे भी एक डीआर का बना लेता हूँ, ठीक है। न्यू फोल्डर एंड लॉग सिपिंग डीआर, ठीक है, सॉरी डीआर। इसमें क्या होगा, कॉपी होगा, दोनों सेम सर्वर, क्योंकि हम चेक करें दूसरा सर्वर अभी रेडी नहीं है, तो इस तरह से आपको दिखा देते हैं कैसे करना है। सिक्योरिटी आप देख लो यहाँ पे सेम होगा, ठीक है, क्लोज। तो हमारा ये बन गया अभी, एंड नाउ अब हम आते हैं इसके, जब आपने ये प्रिजिक्यूटर देख लिया, ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, क्या एडवांटेज है इसके। तो एडवांटेज क्या होते हैं, कि इजी टू सेटअप है, क्योंकि आप गुई से भी कर सकते हैं, कमांड लाइन से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो इजी सेटअप है, लॉक शिपिंग कैन बी कॉन्फिगर्ड बाई डेटाबेस मैनेजमेंट प्लान विजार्ड, मीन्स आप उस लॉगिन करके राइट क्लिक करके मैं दिखा दूँ कैसे कर सकते हैं, एंड बी केयरफुल सम क्या कर सकते हैं, आप क्लिक करके आप कर सकते हैं, ओके, फेल ओवर भी करा सकते हैं। स्टैंड बाई डेटाबेस कैन बी अवेलेबल फॉर रीड ओनली रिक्वेरीज, क्योंकि आप स्टैंड बाई में क्रिएट करेंगे तो, लेकिन स्टैंड बाई में क्रिएट करने के लिए आपको सेम एडिशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सेम वर्जन की ज़रूरत पड़ती है, आप हायर वर्जन नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉब्लम देगा, वही हम दिखाएंगे एरर कैसे आता है अगर मैंने कहीं हायर वर्जन लगाया है तो, ठीक है। एंड लो मेंटेनेंस है, क्योंकि एक बार ये चल गया ऑटोमेटिक तो सब जॉब काम करती है, अब कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। और मल्टीपल स्टैंड बाई आप कॉन्फिगर कर सकते हैं, मल्टीपल सेकेंडरीज आप ऐड कर सकते हो। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मल्टीपल सेकेंडरीज भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और कितने सारे ऑप्शन हैं हमें, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज भी है, ओके। मीनवाइल क्या करते हैं कि अपग्रेड वर्जन में डाल देता हूँ, जिससे आपको मैं एक एरर दिखा पाऊँ, ठीक है। सो एरर क्या आएगा मैं बता दूंगा उसको, कि जब भी आप स्टैंड बाई कॉन्फिगर करेंगे ना, तो एक एरर आता है, तो उसके लिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। सो ये मैं 2019 डाल रहा हूँ, ठीक है, 2019, लेट मी SRBR SQL सर, ओके, SQL SRBR 2019, ओके। सो इससे आपको एक एरर पता चलेगा, और हम जो मल्टी क्या कहते हैं मल्टीपल सेकेंडरीज जो ऐड करेंगे, उसमें एक एक सेकेंडरीज को भी हम ऐड करेंगे, ओके। यहाँ वॉल्यूम मेंटेनेंस टास्क का जो पहले बता दिया था, क्यों यहीं पूछ रहे हैं आपको, क्योंकि वो जब भी आप इनिशियलाइज करते हैं जीरो हो जाता है, ठीक है, इंस्टेंस फाइल इनिशियलाइजेशन बाय अवॉइडिंग जीरो डेटा पेजिंग, ओके, इनेबल करना जरूरी रहता है, ठीक है।
कभी भी आपको मिक्स मोड में ही जाना चाहिए। और एसए का पासवर्ड हमेशा आप याद रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बाकी सेटिंग्स है तो मैं भी डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये सब है। टेम्परेरी का अलग है, जो फाइल के हिसाब से, कोड के हिसाब से उसकी साइज़ होनी चाहिए। एम डॉप अभी सेटिंग नहीं करेंगे, डिटेक्ट 4 कर रहे हैं, लेकिन हम इसको चलो एक एक कर देते हैं, क्योंकि ये 17 में हमने चेक किया था तो हमें मैनुअल करना पड़ता था। अब यही सब पूछा मेमोरी, सो मेमोरी रिकमेंडेशन बाई डिफ़ॉल्ट है, तो हम इसको जस्ट पहले ही कम कर देते हैं, 512। और ये 9 GB बता रहा है मैक्स, तो 9 GB नहीं रखेंगे हम, सीधे 1 GB रखेंगे, 0.24, क्योंकि ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई इनेबल करने ही पड़ेंगे। ठीक है, डेटा वैसे फाइल स्ट्रीम से कुछ मतलब नहीं है। ओके, तो ये 19 में उन्होंने दे दिया यहीं पे करने के लिए, जो आप कॉन्फ़िगर करते हैं एसपी कॉन्फ़िगर से। तो इसको होने देते हैं, हम आते हैं अभी लॉक शिपिंग पे। ओके, सो लॉक शिपिंग के ड्रॉबैक्स एडवांटेजेस क्या है। सो लॉक शिपिंग डज हैव अ फ्यू इशूज दैट डीबीएस शुड हैव अवेयर ऑफ प्रायोरिटी रिलाइंग ऑन द मेथड ऑफ फेल ओवर। ओके, पॉसिबल डेटा लॉस, प्राइमरी फेल ओवर हुआ तो, क्योंकि आप 15 मिनट का डिटेंशन लेके चलते हैं, या फिर जो भी मतलब का डिटेंशन पीरियड होता है। ठीक है, एंड ट्रांजेक्शन अकर आफ्टर ट्रांजेक्शन लॉक बैकअप एंड कॉपी ऑन द सेकेंडरी, तो जो ड्यूरेशन लगते हैं कॉपी होने में या कॉपी रिस्टोर होने में, तो उतना डेटा लॉस आपका हमेशा रहता है। ओके, सम मैनुअल डीबीए वर्क रिक्वायर टू ब्रिंग डेटा बेस ऑनलाइन, यस ऑटोमेटिक ये नहीं है, तब वो क्या करना पड़ेगा, लास्ट लॉक बैकअप लेकर रिस्टोर करना है, उसको अप करना रहता है। लॉक शिपिंग स्क्रिप्ट सेटअप कैन नॉट, लॉक शिपिंग सेटअप कैन नॉट बी स्क्रिप्टेड। ओके, जो भी होता है आपको स्क्रिप्ट नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें अलग से सब कुछ ऐड करना रहता है, कितना मॉडिफाई आप करोगे सेकेंडरीज के लिए, प्राइमरी के लिए। ओके, सो डेटा बेस 2000 में इंटरप्राइज रिक्वायर्ड था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी आप डाल सकते हो। ठीक है, एंड उस तरह से आपका ये हो जाएगा। सो बेसिकली ये था, पहले 2000 में रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आप लॉक शिपिंग इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप टेस्टिंग पर्पज़ के लिए जाओ तो डेवलपर एडिशन आप यूज़ करो। अब सब लॉक शिपिंग इंप्लीमेंट को जो हमें आपको दिखाया जा रहा है, वो डेवलपर एडिशन पर हम कर रहे हैं, ना कि हम प्रोडक्ट्स इंटरप्राइज और स्टैंडर्ड पर। और ये डेवलपर जो होती है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज़ नहीं होती, इस बात का आप ध्यान रखें। ये जो होती है बस टेस्टिंग पर्पस और इम्प्लीमेंटेशन पर्पस के लिए रहती है, अब लर्निंग पर्पस के लिए डेवलपर एडिशन आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टीज क्या, डिफिकल्ट ट्रेवल्स लॉक शिपिंग वर्क वेरी वेल, बट देर आर प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू ट्रेवल शूटिंग डॉक्यूमेंटेशन आर स्पार्स टिपिकली आर नॉट हेल्पफुल टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। ये बेसिकली क्या कि जिसका जो सेटअप होगा उस तरह से आप मेंटेन करते हैं और उसका अपना डॉक्यूमेंट बना रहता है, तो ये थोड़ा सा आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि भाई इसमें बेसिकली क्या है कि आपको जब एरर आती है, या फिर जो होता है क्या कि लॉग राइट नहीं हुआ, या फिर LSN मिसमैच हुआ, किसी ने बैकअप डिलीट कर दी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ओके, और कुछ नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कोई भी लॉग फाइल तुरंत डिलीट ना करें, थोड़ा टाइम ले। नेक्स्ट है कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होते हैं लॉक शिपिंग में, क्योंकि पता होना चाहिए कि लॉक शिपिंग में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो ये पता होना चाहिए। ओके, सो हमने क्या किया था, अभी बताया था कि हम दो लॉक शिपिंग बनाएंगे, एक तो हमने कहा था कि DR के लिए, ठीक है, अभी ये चल रहा है 19 का, ठीक है, सेटअप 19 का चल रहा है, तो हम आपको एक एरर दिखाएंगे, इसलिए 19 इंस्टॉल भी करें पैरेलली। ओके, उसमें एरर आएगा, स्टैंड बाई हम लेके जाएंगे ना, तो एरर आएगा, तो हम स्टैंड बाई भी करेंगे और नो रिकवरी वाले में भी हम करेंगे। दो तरह का ऑप्शन आपको लॉक शिपिंग देता है, हम आगे देखेंगे। सो टर्मोलॉजीज क्या है, प्राइमरी सर्वर क्या होता है, द इंस्टेंस ऑफ स्कूल सर्वर डेट हैव प्रोडक्शन सर्वर, मीन्स उसके पास जो होती है क्या प्राइमरी डेटाबेस होती है, उसको प्राइमरी सर्वर कहते हैं। तो प्राइमरी डेटाबेस क्या होता है, द डेटाबेस ऑन प्राइमरी सर्वर डेट यू वांट टू बैक टू अनदर सर्वर, ऑल एडमिनिस्ट्रेशन टास्क लॉक शिपिंग कॉन्फिगर थ्रू द मैनेजमेंट स्टूडियो ऑन द प्राइमरी डेटाबेसेस। मींस कहने मतलब कि जो प्राइमरी डेटाबेस होता है उस पर हम लॉक शिपिंग इंप्लीमेंट करने का स्टार्ट करते हैं, जो प्राइमरी सर्वर पे होता है, और उस पर लॉक शिपिंग हम कॉन्फिगर करते हैं, या फिर जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो परफॉर्म करते हैं। सेकेंडरी क्या होता है, जहाँ पे हम वार्म डेटाबेस और होम हॉट स्टैंड बाई डेटाबेस कॉपी करते हैं। ओके, सेकेंडरी सर्वर और सेकेंडरी डेटाबेस क्या होता है, द वार्म स्टैंड बाई कॉपी ऑफ प्राइमरी डेटाबेसेस, जो कॉपी ऑफ प्राइमरी का होता है वो सेकेंडरी डेटाबेस पे होता है, उसको सेकेंडरी डेटाबेस कहते हैं। ओके, सो इसका आइदर रिकवरिंग स्टेट होता है और स्टैंड बाई स्टेट होता है। ओके, और स्टैंड बाई में क्या कर सकते हैं आप, सॉरी
स्टैंडर्ड क्या करता है, रीड ओनली एक्सेस ले सकते हैं। एक मॉनिटर सर्वर होता है जो क्या करता है, दोनों को मॉनिटर करके उसका लॉग शिपिंग का देखते रहता है। क्या करता है वो ट्रांजैक्शन लॉग प्राइमरी सेकेंडरी लास्ट बैकअप कब हुआ था, सेकेंडरी पे कॉपी स्टोर बैकअप कब हुआ था, और इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेल्योर अलर्ट्स। अगर बैकअप कॉपी और स्टोर नहीं हुआ है तो उसका डिटेल अपने पास ये रखता है। नाउ अब बैकअप जब होते हैं, कॉपी जब, रिस्टोर और अलर्ट, ये चार जॉब बनते हैं जब हम लॉग शिपिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बैकअप जब कहाँ पे होता है, प्राइमरी सर्वर पे जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो क्या करता है बैकअप लेता है और सम रिटेंशन के बाद वो बैकअप डिलीट भी करता है ऑन प्राइमरी सर्वर जो शेयर्ड बैकअप शेयर्ड ड्राइव में रहते हैं। ओके कॉपी क्या होता है, कॉपी जो होता है ये एजेंट होता है जो डेटा कॉपी करता है बैकअप फाइल फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी जो कॉन्फिगर रहती है, प्राइमरी शेयर फोल्डर टू सेकेंडरी शेयर फोल्डर, और वहाँ पे उसको राइट करता है सेकेंडरी पे जो लॉग शिपिंग में कॉन्फिगर रहती है। इसको लॉग शिपिंग कॉपी जॉब कहते हैं। रिस्टोर क्या होता है, जब कॉपी हो जाती है तो रिस्टोर जॉब चलता है और वो कॉपी बैकअप को रीड करता है, जो कॉपीड बैकअप होते हैं सेकेंडरीज पे उसको रीड करता है एंड देन वो रिस्टोर करता है सेकेंडरी सर्वर पे, एंड उसको क्या करता है बाकी जो पुराने डेटा बैकअप होते हैं लॉग बैकअप होते हैं उसको डिलीट कर देता है रिस्टोर होने के बाद, या जो रिटेंशन आपने सेट किया है कि भैया 24 घंटे या 48 घंटे बाद जो पुराने बैकअप होंगे हमें डिलीट करने हैं। लास्ट क्या होता है, अलर्ट जॉब होता है जो सीक्वल सर्वर एजेंट जॉब जो रेज द अलर्ट ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटाबेस व्हेन बैकअप रिस्टोर ऑपरेशन डज नॉट कंप्लीट सक्सेसफुली विद इन द स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड। मीन्स अगर आपने जो रिटेंशन रखा है कि 45 मिनट्स और 1 घंटे या 20 घंटे जो भी, अगर उस रिटेंशन पीरियड में अगर बैकअप कॉपी और रिस्टोर नहीं हो पाता है तो ये अलर्ट आपको मारना स्टार्ट कर देगा जो ज़रूरी है, ये आपको अलर्ट सेंड करता है। आप लॉग में देख सकते हैं, मेल के थ्रू भी देख सकते हैं, ओके, और डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजी थे लॉग शिपिंग के बारे में थे। अब तक हमने ये देखा कि लॉग शिपिंग है क्या, ये थ्योरेटिकल पार्ट हमने देखा, उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, कोई कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, उसका क्या यूज़ है। नेक्स्ट आते हैं कि हम अब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं लॉग शिपिंग। सो मेथड क्या है लॉग शिपिंग इम्प्लीमेंट करने का, फर्स्ट विंडो जो ऐसा आता है हम डेटाबेस पर राइट क्लिक करना है, उसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और वहाँ पे आपको लॉग शिपिंग मिलेगा, लेकिन हमें और भी तरीके उस जहाँ पे हम जा सकते हैं। ओके सो लेट्स सी एंड स्टार्ट लॉग शिपिंग स्टेप बाय स्टेप। सो आप ये देख सकते हैं कि हमने 2019 रिस्टोर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, और रिस्टार्ट के लिए, तो रिस्टार्ट हमें करना नहीं है क्योंकि हमें और भी काम करने हैं, ठीक है, तो रिस्टार्ट हम बाद में भी कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी हियर, ठीक है। 2019 इंस्टॉल सक्सेसफुली, ओके सब कुछ इंस्टॉल हो गया, इसको हम बाद में देखेंगे। क्लोज दिस वन। नाउ हम आते हैं डेटाबेस सर्वर पे, ये हमारा डेटाबेस सर्वर, हम चाहते हैं कि इसका बैकअप हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे गए और ये रहा आपका ट्रांजैक्शन लॉग शिपिंग, ठीक है। यहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं या यहाँ से जाएंगे टास्क में जाएंगे और ये आपका लॉग शिपिंग है, यहाँ से भी आपको सेम विंडो ही खुलेगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं आपका सेम लॉग शिपिंग इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। तो हम ड्राइव शेयर कर ही दिया था, अब हम आते हैं लॉग शिपिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो यहाँ फर्स्ट विंडो है आपका, स्टार्ट करते हैं, आपको यहाँ इनेबल करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आती है बात बैकअप सेटिंग की। बैकअप सेटिंग इन द सेंस कि आप बैकअप रख कहाँ रहे हैं, ठीक है। सो बैकअप हम रख कहाँ रहे हैं, पहला हमने शेयर ड्राइव यहाँ बनाई थी एक सी ड्राइव में। सो लॉग शिपिंग ये है, ये हमें उठानी है यहाँ से, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है, लेकिन ये बोला नेटवर्क पाच एग्जाम्पल में ऐसे, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फोल्डर है उसकी प्रॉपर्टीज़ से कॉपी करनी पड़ेगी नेटवर्क शेयर पाथ इसका, एंड ये है और ये आप कॉपी कर लो यहाँ से, ठीक है। सर्वर नेम प्लस फोल्डर नेम होता है, ओके जस्ट पेस्ट हियर, ठीक है, ये पाथ है, ठीक है। रीड राइट लिखा है यहाँ पे, यू मस्ट रीड राइट परमिशन टू द फोल्डर, जो अपने फोल्डर या सर्विस अकाउंट को भी होना चाहिए प्राइमरी इंस्टेंस पे। तो जो आपको देखो अभी आपको इम्प्लीमेंट करना है तो फर्स्ट टाइम आपको सबको पढ़ लेना पड़ेगा, पढ़ते रहेंगे तो वो करने में आसानी रहेगी, ओके। तो ये स्टार्ट करना, प्राइमरी सर्वर सेटअप कर रहे हैं, बैकअप यहाँ रखेंगे आप,
रिटेंशन पे डिलीट कितने देर बाद करना है? 72 घंटे, मतलब 3 दिन बाद। आप चाहो तो टेस्टिंग पर 24 आवर्स रखो आप। और अलर्ट कितने देर में आना चाहिए? 1 घंटा। अगर 1 घंटे के अंदर बैकअप एंड रिस्टोर नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम अलर्ट देना शुरू कर देगा, ठीक है। शेड्यूल करना है आपको बैकअप कितने देर में लेना है, तो हमारा छोटा बैच सर्वर है तो हम यहाँ से हर 5 मिनट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेली होना चाहिए, इनेबल है, तो स्टार्ट टाइम ये है, एंड टाइम ये है, ओके। एंड यहाँ से आप हिट ओके कर सकते हैं। डेटाज बैकअप कंप्रेशन करना है कि नहीं करना है तो आप कर सकते हो, ले लो, सिलेक्ट कर लो, ओके, ठीक है। एंड ये आपका प्राइमरी सेटअप, प्राइमरी सर्वर सेटअप हो जाता है यहाँ से, ठीक है। ये प्राइमरी की सेटिंग इतनी ही है, नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, सी, ठीक है। आप यहाँ से हिट ओके करो, आपका प्राइमरी सेटअप होगा। अब सेकेंडरी आपको ऐड करना है, तो सेकेंडरी सर्वर आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, ओके। सो लेट्स सी, कनेक्ट सेकेंडरी सर्वर, आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, तो हमने डेमो डीआर रखा है यहाँ पे, ठीक है। आप ऑथेंटिकेट करो यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है, जनरेट फुल बैकअप, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, ठीक है। अगर पहले से रिस्टोर एग्जिस्टिंग है तो ये ले सकते हैं, लेकिन आपके पास है नहीं तो आप ये लेके जाओगे, ओके। ये पूछे कि डेटा फाइल लॉग फाइल आपको कहाँ रखनी है, सो इसके लिए भी आपको एक फोल्डर होना चाहिए। लेट्स कम हियर, यहाँ पे, एंड हम क्या करते हैं, जो शेयर ड्राइव है इसी में हम बना देते हैं एक फोल्डर फॉर लॉग अंडरस्कोर ls लिख दो, डेमो, ठीक है। और इसी पाथ पे हम अभी दोनों रख रहे हैं, कहीं अलग नहीं रख रहे हैं, ओके। डेटा एंड लॉग फाइल, बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपको अलग रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके किया। सो यहाँ पे आप डेटा फाइल MDF इसका बन जाएगा डेमो का, ठीक है। एंड कॉपी कहाँ करानी है आपको, जो लॉग बैकअप प्राइमरी पे होगा उसकी कॉपी क्या लिखा, यू मस्ट हैव रीड परमिशन टू प्रॉक्सी यूजर टू जॉब कॉपी फ्रॉम द, या तो ये आपको यहाँ पे रखना है। तो आपने यहाँ क्रिएट किया था सी ड्राइव में सेकेंडरी वाले सी, ठीक है, तो आपको कॉपी करना है यहाँ पे, ओके। तो इसकी हम प्रॉपर्टीज ले लें, या फिर वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं शेयर ड्राइव के, सो ये भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज ले करके भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सेकेंडरी के लिए डाल दिया यहाँ पे, बस लोकल पाथ भी आप डाल सकते हैं, यूज लोकेटेड सेकेंडरी सर्वर, लोकल पाथ भी आप यूज है। यहाँ पे बोल रहा है डिलीट बैकअप 72 आवर्स, नहीं 24 आवर्स रखो आप, ठीक है। शेड्यूल जॉब करना है यहाँ पे आपको, सो एवरी 5 मिनट्स में वहाँ रखें, थोड़ा सा या फिर भी 5 मिनट्स ही रखो, लेकिन थोड़ा सा क्या करो आप, सेकेंड का डिफरेंस कर दो, क्योंकि कॉपी होने में थोड़ा सेकेंड लग जाता है, इसलिए ऐसे स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उसके बाद तुरंत यहाँ पे हो जाए। एंड देन आते ही आपके यहाँ पे जो मोड होते हैं, नो रिकवरी मोड और स्टैंड बाई मोड, ठीक है। तो नो रिकवरी मोड में क्या होता है आपका, कि आप रीड डेटा नहीं कर सकते, और स्टैंड बाई में क्या होता है, आप डेटा को रीड कर सकते हो। तो हम अभी पहले क्या जा रहे हैं, स्टैंड बाई मोड में, और यहाँ पे क्या लिखा, डिस्कनेक्ट यूजर डेटाबेस वाइल रिस्टोरिंग, जब रिस्टोर तो डिस्कनेक्ट कर दे, तो ये भी हम एक रखेंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे रिस्टोर डिले रिस्टोर एटलीस्ट 0 सेकेंड है, अलर्ट आपका क्या होगा 45 सेकेंड पे, 45 मिनट्स पे आ जाएगा, ठीक है। आप ये चेंज कर सकते हैं, और इसको भी 5 मिनट्स पे रखेंगे, ये बैकअप 5 मिनट, थोड़ा सा यहाँ चेंजेस करेंगे 50 सेकेंड्स, ओके। नाउ हमने ये सेकेंडरी भी ऐड कर दिया, दिख रहे हैं आपको, और ये हम लेके जा रहे हैं स्टैंड बाई में। तो यहाँ पे स्टैंड बाई में एरर नहीं देगा, क्योंकि हम सेम वर्जन सेम एडिशन पे जा रहे हैं, सेम कोलेशन पे जा रहे हैं। अब वो मॉनिटर सर्वर ऐड करते हैं, मॉनिटर सर्वर ऐड कर सकते हैं एक्सप्रेस एडिशन, लेकिन हम अभी नहीं जा रहे मॉनिटर सर्वर के लिए, ठीक है। स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं बैकअप के लिए, लेकिन कोई नेसेसरी है नहीं। हिट ओके, स्टार्ट हो रहा है, डन। डेटा तो छोटा था तो ये हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा फाइल लॉग फाइल बन गया, टॉप फाइल बन गया। टॉप फाइल हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज टॉप फाइल, ओके। ट्रांजैक्शन अनडू फाइल है ये, ओके, TUF ट्रांजैक्शन अनडू फाइल। इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज टॉप फाइल, ओके। टॉप फाइल WRK फाइल, ये लॉग शिपिंग में यूज होती है, तो लॉग शिपिंग इंटरव्यू क्वेश्चन में आते हैं कि व्हाट इज WRK, व्हाट इज टॉप फाइल, ओके।
तो टॉप फ्लैप ट्रांजेक्शन अनडू फाइल होता है, जो भी चेंजेस आपको अनडू करने के लिए होती है। वर्कर फाइल जो जो बैकअप कॉपी होता है, प्रॉपर कॉपी नहीं होता, तो वो वर्कर फाइल ही रहता है आपका, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टफ एंड वर्कर फाइल, ठीक है। अभी आपका ये रिस्टोर हो गया, ठीक है। तो यहाँ लॉक सेपिंग चल गई, तो हम रिफ्रेश कर ले। एंड इसका हम रिपोर्ट देख, मॉनिटरिंग भी आती है, तो हम रिपोर्ट मॉनिटरिंग कर सकते हैं यहाँ से, सर्वर लेवल यहाँ से आ जाओ आप, ठीक है। कस्टम रिपोर्ट देखो, लास्ट में यहाँ पे लिखता है लॉक सेपिंग रिपोर्ट, ओके। आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको इसको ऊपर करके दिखा देता हूँ। दिखाता हूँ, रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में जाएंगे, नीचे जब आएंगे तब आपको ये दिखता है। कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा ये आपको, और थोड़ा ऊपर करें तो शायद दिख जाए। नहीं, ऐसे देख लो, ये भी बाहर जा रहा है, रिकॉर्डिंग से बाहर जा रहा है। ओके, सो लेट्स सी ओपन कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कि विंडो खुल के यहाँ पे आएगा, आप देख लेना अभी, ठीक है। लोडिंग हो रहा है, देखो लॉक शिपिंग है, 2 मिनट 60 सेकेंड ये दिखा रहा है, सेटिंग जो आपने की थी, ठीक है। डेटाबेस का नाम दिखा रहा है, सर्वर नेम दिखा रहा है, डेटाबेस का नाम है यहाँ पे सेकेंडरी का है ये, ठीक है। गुड बता रहा है अभी, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे सेकेंडरी सर्वर यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पे डेटा देखो, यहाँ पे एक स्टैंड बाई मोड में, रीड ओनली मोड में आप डेटा रीड कर सकते हो, ठीक है, जो टेबल से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक जस्ट एक यहाँ एंट्री हम मार देते हैं, पहले देखते हैं रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं यहाँ पे। ओके, तो इसका भी रिपोर्ट हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन लॉग सेकेंड का, सेकेंडरी का सही है। 3 मिनट हो गया, अभी 5 मिनट बाद रिस्टोर होगा, ठीक है। अभी कोई बैकअप कॉपी नहीं हुआ है ना, रिस्टोर हुआ है, ठीक है। तो जैसे आएगा आपका रिस्टोर हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एंट्री मारेंगे एक टेबल में, कस डिटेल में एडिट, ठीक है। सो हम यहाँ एक एंट्री मारेंगे और इसको चेक करेंगे कि भाई यहाँ 780 तो वहाँ 8 एंट्री होनी चाहिए। मान लो यहाँ पे लिख दिया हाना, ओके, 2023, एड्रेस लिख लो नोएडा, सॉरी एंड समथिंग, कुछ भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ओके, सो हमें एक कमिट करनी है, तो आप कमिट करा सकते हो, ठीक है। यस, सेव, ओह व्हाट इज दैट, नॉट आई डी, सो 8, ओके, सो कमिट हो गया। अभी ये मैनुअल ऐड करना था, तो हमने यहाँ पे 8 रो आपको दिखा रहा है, ठीक है। सेम इसी कॉलम टेबल का कस्टमर डिटेल का हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है कि नहीं, पहले हम देख लेते हैं कि जॉब मॉनिटर ये सब चला है कि नहीं। सो 1 मिनट हो गया, अब देख लेते हैं कि बैकअप गया है कि नहीं। सो ये बैकअप देखो आप कॉपी किया है एंड रिस्टोर भी, क्योंकि छोटा साइज तो सेम टाइम पे दोनों देख ले, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कब, जब आपकी लॉग बैकअप की साइज़ ज़्यादा होती है तो कॉपी होने में थोड़ा टाइम लेता है एंड रिस्टोर होने में टाइम, तभी कोई एरर्स नहीं आ रहा है, दिख रहा है आपको, कोई एरर नहीं है, सी नॉट अ सिंगल एरर, ओके। सो यहाँ पे हम आ गए डेटाबेस में, और हमने कस्ट डिटेल्स का देखना था, तो हम इसमें देखते हैं 9 नंबर रो, 8 नंबर रो आया कि नहीं, अभी नहीं आया है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इसका एक और बैकअप हम मैनुअल रन करा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ आए और हमने क्या किया, जो ये बैकअप जो बने आप देख सकते हो, सॉरी रिफ्रेश, ठीक है, बैकअप जॉब अलर्ट जॉब। तो हम पहले एक बैकअप रन कर देते हैं फिर से मैनुअल, क्योंकि हमें क्या किया, वो डेटा जो है रिस्टोर करके दिखाने वहाँ पे, ठीक है, सक्सेसफुली। एंड देन हम यहाँ पे आएंगे एजेंट के पास, यहाँ पे हमें कॉपी ओनली चलानी है, ठीक है, कॉपी जॉब,
सक्सेसफुल एंड ये हमारा रिस्टोर जॉब। सक्सेसफुल जस्ट रिफ्रेश दिस। अब देखो अभी यहाँ पे चेंज हो गया ये टाइमिंग, ओके। एंड नाउ अब हमें देखना है डेटा यहाँ पे, सो इसको रिफ्रेश कर ले या क्लोज करके ओपन कर लेते हैं फिर से, ठीक है। नाउ गो टू द टेबल कस्ट डिटेल्स एडिटर्स आ गया 8 नंबर। सी सो हमारा जो लॉक शिपिंग है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, ओके। सो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताइए, अगर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं सम इंटरव्यू क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करेंगे वहाँ पे। कमेंट कीजिए एंड जो भी होता है हम उसका आंसर्स दे पाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा सम इंटरव्यू क्वेश्चन, तो पीपीटी पे हम आते हैं। यहाँ पे लॉक शिपिंग इम्प्लीमेंट हो गया, हमने ये डेमो सेशन देख लिया अभी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरव्यू क्वेश्चन, तो हम ये सोच रहे हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चन अभी कंप्लीट ना करके अलग एक वीडियो बना दें या फिर इसी में। सो हमें यहाँ तक लग रहा है कि एक वीडियो बड़ा हो जाएगा, सो ये लॉक शिपिंग इतने ही रहने देते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ओके। सो यहाँ तक आपने देखा लॉक शिपिंग को आपने देखा, ठीक है। एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप ये कीजिए, क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए। एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी, बताया था शुरू में क्या, कि हम सेकेंडरी मल्टीपल ऐड कर सकते, तो कम टू द प्राइमरी सर्वर, ओके। सो सेकेंडरी ऐड करना और एक एरर की हम बात कर रहे थे, ठीक है। सो हमने अभी सेम डेटाबेस में जाना है फिर से प्रॉपर्टीज़ में, और हमें क्या करना है सेकेंडरी ऐड करना है, ठीक है, एक और सेकेंडरी ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ जस्ट हम सेकेंडरी ऐड करेंगे, कनेक्ट टू सेकेंडरी, प्राइमरी मेरे पास है, और उसका हम अलग से जस्ट ब्राउज दिस सर्वर, ये सर्वर सेकेंडरी, ओके। और ये हायर वर्जन है, तो मैं आपको बता दूँ, हमें रिस्टार्ट लगेगा, रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हम सेकेंड वीडियो में इसको लेके आएंगे रिस्टार्ट के बाद, क्योंकि इंस्टॉलेशन के बाद रिस्टार्ट नहीं हुआ था। सो हम उसके साथ इंटरव्यू क्वेश्चन भी ऐड कर देंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि उसमें क्या है आपको एक एरर देखने के लिए मिलेगा कि भाई सेकेंडरी सर्वर को, सेकेंडरी सर्वर अगर हायर वर्जन है तो आप उसको रीड ओनली रेप्लिका में, सॉरी स्टैंड बाई में नहीं रख सकते, ओके। उसको आपको नो रिकवरी में ही रख सकते हैं, क्योंकि वो फेल होने के चांसेस बहुत गलत होता है, और आप हायर से लोअर वर्जन में आप नहीं कर सकते उसको, ठीक है। सो ये आपका है लॉक शिपिंग पार्ट वन, आप इसको मान के चलो। और ये डेमो कंप्लीट नहीं हुआ है प्रॉपर, क्योंकि इसमें एक और हमें सेकेंडरीज ऐड करना था, एक सेकेंडरी हमारा चल रहा है सक्सेसफुली जो आपने देखा होगा यहाँ पे। हम फिर से एक बार रिफ्रेश करके दिखा देते हैं, रिफ्रेश सी ईयर, ठीक है, एक मिनट पहले हुआ है, ये बैकअप है और ये प्राइमरी सर्वर। इसमें भी अब देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, हेल्थ अच्छा दिख रहा है, गुड है, ठीक है, ठीक है। सो लॉक शिपिंग रनिंग सक्सेसफुली, कॉपी एंड रिस्टोर, और नथिंग टू ऐड हियर, ओके। सो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो हम अभी इसका इंटरव्यू क्वेश्चन प्लस सेकेंडरी ऐड करने का लेके आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।